अरे शादी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। मुन्नी ऐसे नहीं करते बेटा, पहले दीदी को हम लोग तैयार कर देंगे, लड़के वाले आते ही होंगे। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना तभी मिलेगा ना जब शादी होगी। मुन्नी भी ना। अरे दीदी आप लोग तो इतना इतना खाना खा के बैठे हो, मैं तो सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। लड़कियां तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, जल्दी से गुड़िया को अंदर ले जाके तैयार कर दो। हाँ भाभी ले जाते हैं और तैयार कर देते हैं हम लोग। मैं जाके देखती हूँ छोटू को, पता नहीं कहाँ सोया है। एक नंबर का काम चोर है, जब भी काम पड़ता है कहीं छुप के जाके सो जाता है। छोटू यहाँ सबसे नजरे बचा के छत पे सोया हुआ है। आहा आज तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है, कोई बुलाने वाला भी नहीं है। मुझे तो लगता है छत पे ही सोया होगा, एक बार जाके देखती हूँ पहले। ये बोल के सुकन्या छत पे जाने लगती है। सही सोचा था, देखो ये ऊपर सोया है। अरे लगता है मालकिन आ रही है, आज तो बड़ी मार पड़ेगी, जल्दी से उठ जाता हूँ। छोटू शादी का दिन है और तुम यहाँ पड़े हो आके, चलो जल्दी से भैया की मदद करो नीचे जाके। हाँ हाँ मालकिन, मैं तो बस ऐसे ही लेटा था। एक नंबर के काम चोर हो तुम, जब भी ज्यादा काम रहता है चोरी छुपे आके कहीं भी सो जाते हो। अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। ये बोल के मालकिन नीचे चली जाती है। अरे दिन भर मेरे से काम कराते रहते हैं, थोड़ा आराम भी ना करूं? अजीब लोग हैं। मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ लाली और प्यारी कहाँ है। तुम लोग अपना काम जल्दी जल्दी कर लो, वरना दूल्हे राजा आएंगे और पता चला दुल्हन तैयार ही नहीं हुई। हा। मुन्नी भी ना कितना मजाक करती है। गुड़िया चलो अब रूम के अंदर चलते हैं, हम लोग लाल जोड़ा लेके आए हैं, तुम्हें उससे सजा देते हैं। हाँ चलो चलते हैं अंदर। चलो, गुड़िया को साड़ी तो पहना दी है और ये गहने भी उतार दिए हैं, इसे कहाँ रख दूँ गुड़िया? ये जाके दादी को दे दो। अच्छा ठीक है, तान्या तब तक तुम इसे गहने पहना दो और मेकअप कर दो। हाँ परी मैं कर देती हूँ। ये बोल के परी गहने देने चली जाती है दादी को। गुड़िया तुम आराम से कुर्सी पे बैठ जाओ। मैं आराम से बैठ गई हूँ, अब तुम अपना काम स्टार्ट कर सकती हो। ठीक है मैं नए गहने पहना देती हूँ तुम्हें। ये पड़े हैं गहने और चुंदरी, सबसे पहले मैं कान वाला पहना देती हूँ। चलो ये पहना दी है मैंने कान की बालियां, बड़ी ही सुंदर लग रही है गुड़िया। अब मैं टीका पहना देती हूँ और गले का हार भी। ये टीका भी पहना दिया मैंने। ये रहा गले का हार, कहाँ से लेके आई हो गुड़िया, बड़ा ही सुंदर है। भैया शहर से लेके आए हैं। अच्छा ये भी पहना देती हूँ मैं तुम्हें। ये लो गले का हार भी डाल दिया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया। अब मैं चुनरी डाल देती हूँ। चलो चुनरी भी बंध गई है, अब जाके देखती हूँ दूल्हे राजा कहाँ रह गए हैं। तभी वहां ऐनी आती है और दुल्हन को देख के वो बहुत खुश होती है। अरे वाह गुड़िया तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, बारात आ गई है, जल्दी ही शादी हो जाएगी अब तुम्हारी। ये दूल्हे राजा अपनी बहन के साथ आए हैं। आइए आइए आपका स्वागत है, ये गुड़िया का पति है, ये ढोल बाजा लेके खड़ा है। लड़के वालों के आने की खुशी में ढोल बजाया जा रहा है। अरे लड़कियों कहाँ रह गए तुम लोग, दूल्हे राजा आ गए हैं, आरती की थाल तो लेके आओ। हाँ दादी माँ हम लोग जल्दी से लेके आ रहे हैं। तान्या आरती का थाल लेके लड़की की आरती उतारने जाती है। तान्या दूल्हे का आरती उतारती है। चलिए जीजा जी जल्दी से नेग निकालिए। हाँ हाँ जरूर मिलेगा साली साहिबा। दूल्हा तान्या को आरती के लिए पैसे निकाल के देता है, ये रख लीजिए मेरे तरफ से गिफ्ट। अरे थैंक यू जीजा जी। जल्दी जल्दी आप अपनी बहन को लेके आइए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ हाँ तुरंत लेके आ रही हूँ।
एनी दुल्हन को लेने के लिए रूम के अंदर जाती है। चलो गुड़िया, आ गए हैं लड़के वाले, अब जयमाला होगी, फिर उसके बाद फेरे होंगे। हाँ चल रही हूँ। तान्या थाल में मालाओं को सजा के लेके आती है लड़के और लड़की के पास। ये लीजिए, एक दूसरे को पहना दीजिए। पहले मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं माला लेके पहना देता हूँ। लड़की भी दूल्हे को माला पहनाती है। जयमाला तो हो गया है, अब जल्दी जल्दी शादी की रस्में शुरू की जाए। लड़के और लड़की फेरे की तैयारी करते हैं। अरे कोई तो आके इनका गठबंधन कर दो। भाभी मैं जाके बांध देती हूँ। ऐनी जाके दोनों का गठबंधन कर देती है। चलिए ये हो गया है, अब आप लोग फेरे ले लीजिए। लड़का और लड़की अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हैं। चलिए फेरे पूरे हुए, अब मंगलसूत्र लाइए, मैं लड़की को पहना देता हूँ। और हाँ सिंदूर भी लेते आइएगा, साथ में सिंदूर दान भी हो जाएगा। मैं घर के अंदर से लेके आ रही हूँ। तब घर के अंदर मंगलसूत्र लाने जाती है, ये रखा हुआ है यहाँ, जाके दे आती हूँ उनको। ये रहा मंगलसूत्र, ये लीजिए लड़की को पहना दीजिए। हाँ भाभी लाइए, जल्दी से पहना देता हूँ। लड़का लड़की के लिए बड़ा ही प्यारा मंगलसूत्र लेके आया रहता है। जल्दी से अब इसे लड़की के गले में डाल देता हूँ। चलो मंगलसूत्र तो डाल दिया, बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये तो। अब सिंदूर लाइए, वो भी कर देते हैं साथ में। ये रखा है सिंदूर, ये लेके लगा देता हूँ। ऐसे करके गुड़िया और गुड्डे की शादी संपन्न हो जाती है। जल्दी जल्दी विदाई की प्रक्रिया शुरू करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं जाकर देखता हूँ बाकी लोगों को। चलो गुड़िया, अब रूम के अंदर चल के थोड़ा सा आराम कर लो, फिर विदाई होगी। गुड़िया घर के अंदर जाती है। अरे लाली, बुआ और फूफा जी की तो शादी हो गई है, चलो उनको विश कर देते हैं। अरे बुआ आपकी तो शादी हो गई, अब कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू बेटा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप ससुराल जाके हम लोग को भूल मत जाना, हमें याद जरूर करना। हाँ बेटा बिल्कुल। हमारी ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसे लगी। चैनल पे बने रहेंगे तभी तो और भी मज़ेदार कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी।